नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एयरटेल एफआरसी पर रिटेलर को कमीशन कितना दिया जाता है एयरटेल कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एफआरसी दोस्तों वो है 197 रुपये की। यदि आप किसी कस्टमर का सिम चालू करते हो 197 रुपये की, तो दोस्तों आप यदि उस नंबर पर एफआरसी डालते हो 197 रुपये की, तो दोस्तों उस पर आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया जा रहा है एयरटेल कंपनी की तरफ से। और दोस्तों, अब से पहले यानी अब इस महीने से जो लास्ट महीना था उस पे तो हमको दिया जा रहा था 10 रुपये। 197 रुपये की एफआरसी पर अब से पहले 10 रुपये का कमीशन दिया जाता था एयरटेल कंपनी की तरफ से। और दोस्तों, कस्टमर को इसमें बेनिफिट था, एक महीने की कस्टमर को कॉलिंग फ्री दी जाती थी। प्लस दोस्तों, इसमें 2 GB डाटा था और 300 SMS दिए जाते थे पूरे महीने के लिए। और दोस्तों, इसकी प्लान की जो वैलिडिटी है वो है पूरे 28 दिनों की। तो दोस्तों, 197 रुपये की एफआरसी प्लान पर रिटेलर को कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली एफआरसी की तरफ, वो है 297 रुपये की। यदि आप किसी सिम को चालू करने के बाद उस पर एफआरसी लगाते हो तो एयरटेल कंपनी की तरफ से दोस्तों उस एफआरसी पर आपको कमीशन दिया जाता है 80 रुपये का। तो दोस्तों, इसमें कस्टमर को जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो है एक महीने के लिए उनकी कॉलिंग फ्री रहेगी और पर डे उसमें दोस्तों पर डे कस्टमर को 1.5 GB डाटा दिया जाता है डेली का और इसमें पर डे 100 SMS दिए जाते हैं और इस प्लान की वैधता होती है पूरे 28 दिनों की। तो दोस्तों, यदि 297 रुपये की एफआरसी मारते हो तो उस पर आपको 80 रुपये का कमीशन दिया जाता है एयरटेल कंपनी की तरफ से। इसके बाद दोस्तों, अगली एफआरसी की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो एफआरसी है वो 497 रुपये की। यदि सिम एक्टिवेशन करने के बाद दोस्तों आप यदि 497 रुपये की एफआरसी मारते हो तो उसमें एयरटेल कंपनी की तरफ से आपको कमीशन दिया जाता है 80 रुपये का और इस प्लान की जो वैधता है पूरी 56 दिनों के लिए है दोस्तों। और कस्टमर को इसमें पर डे 1.5 GB डाटा मिलता है। और प्लस दोस्तों, बात करें SMS की, SMS भी इसमें दोस्तों पर डे 100 SMS दिए जाते हैं 56 दिन के वैधता के साथ। तो इसके बाद दोस्तों, अगला जो एफआरसी प्लान है वो है 697 रुपये का। यदि आप एक्टिवेशन करने के बाद 697 रुपये की एफआरसी मारते हो कस्टमर के नंबर पर, दोस्तों उस पर भी आपको 80 रुपये का कमीशन दिया जाता है। और प्लस दोस्तों, इस प्लान में कस्टमर को जो बेनिफिट मिलता है वो है पर डे 1.5 GB डाटा प्लस पर डे 300 SMS और जो कॉल इसमें अनलिमिटेड है कस्टमर की और इस प्लान की पूरी वैधता जो होगी वो होगी 84 दिन के लिए। तो दोस्तों, यदि आप इनमें से कोई सी भी एफआरसी मारना चाहते हो तो दोस्तों आप मार सकते हो। और अब मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको पर एफआरसी पे कमीशन कितना दिया जा रहा है। 197 पे 0 है और 297 पे 80 रुपये और 497 की एफआरसी जो मारोगे उस पे भी 80 रुपये हैं और 697 की जो एफआरसी है दोस्तों उस पे भी 80 रुपये हैं। जो आपको इसमें बेनिफिट अच्छा लगे आप कस्टमर को वो दे सकते हो। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। यदि आप एक रिटेलर हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।